हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाएंगे वड़े। हम उड़द की दाल के वड़े बनाते हैं, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम सूजी के वड़े बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है। इसमें 2 कटोरी पानी डाला है, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, अब खाने वाला सोडा, इसे अच्छे से मिलाएं फ्रेंड्स। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए तो इसमें मैंने आधी कटोरी सूजी ऐड की है फ्रेंड्स। वैसे इसे बनाने के लिए जो मोटी सूजी होती है उसी का यूज़ करें। इसे अच्छे से मिलाएं और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे एक बर्तन में निकालें। और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखें फ्रेंड्स। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था तो इसलिए थोड़ा ही ऐड करें, धनिया पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च, इन सभी को मिला लें। ये देखिए फ्रेंड्स, वड़े तैयार करने के लिए पहले हाथों पे हल्का सा तेल लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। वड़ों का आकार बड़ा या छोटा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए, बाकी के वड़े भी अब मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारे वड़े बनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इन्हें हम डीप फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। डीप फ्राई करने के लिए जो तेल है अच्छा गरम होना चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ सभी वड़े डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अब इन्हें सुविधा के अनुसार धीरे धीरे पलटें और हल्का ब्राउन होने पर इन्हें आप निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, इन्हें आप धनिया की चटनी और मूंगफली के दाने की चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप बड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।